Consultant at Cloud 9 Hospital, Punjabi Bagh. Today we are going to discuss about tips for normal delivery. Almost all pregnant patient who comes to my OPD, unka first question ye rehta hai ki hum kya aisa kare ki hamari normal delivery ho, hame cesarean pe land na karna pade, hum aisa kya kare ki hamari normal delivery mein helpful rahe. To aaj hum discuss karenge tips for normal delivery. First cheez, मेंटेन योर आइडियल वेट, अवॉइड एक्सेसिव वेट गेन. आपको अपना आइडियल वेट मेंटेन करना है, जितना आपका प्री प्रेगनेंसी वेट है उससे 12 टू 18 केजी वेट ही गेन करना है. यूजुअली पेशेंट डबल टाइम फूड खाना, डबल अमाउंट में फूड खाना शुरू कर देते हैं. घर वाले भी कहते हैं ज़्यादा खाओ, और वो इतना खाने के कारण से उनका वेट गेन 25 से 30 किलो बढ़ जाता है. जितना ज़्यादा वेट गेन आपका होगा उतना ही बेबी का साइज भी इंक्रीज होगा, उतना ही आप डिलीवरी की चांसेस को, नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस को कम करते जाएंगे. नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप पुश कम कर पाएंगे, आपका बेबी का साइज बढ़ जाएगा, तो उसको पेल्विक में जो हमारा डिलीवरी का रास्ता होता है, पेल्विस होती है, उसमें आने में उसको प्रॉब्लम होगी, तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम होगी. तो बेटर है आप अपने नॉर्मल डाइट से 300 से 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा ले, डाइट ले, और अपना आइडियल वेट मेंटेन करें, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा. अनदर थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हम डाइट में और अपने नॉर्मल दिनचर्या में, डेली की दिनचर्या में क्या करें. हमें अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने हैं. ये तो सबको ही पता है कि हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए. यूजुअली पेशेंट पूछते हैं कि हम जूसेस पिए, जूसेस आप पिए, पर मेरी एडवाइस है आप जूसेस की बजाय डायरेक्ट फ्रूट खाएं. फ्रूट खाने से आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि जूसेस में प्रिजर्वेटिव होते हैं, जूस रखा हुआ खराब भी हो जाता है, फ्रेश भी आप निकालते हैं तो आप उसका मेन फाइबर अमाउंट छोड़ देते हैं. इसलिए फ्रूट्स डायरेक्ट खाएं, जूसेस को अवॉइड करें, और ऑयली एंड स्पाइसी फूड भी अवॉइड करें. वो केवल आपको हार्ट बर्न देंगे और आपका वेट गेन करेंगे, ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे हेल्थ वाइज. हाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें, खूब पानी पिए. सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसको छोड़ें, एक्सरसाइज करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ें. एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है डेली वॉक करें. यूजुअली लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो वॉक करें, 30 to 45 मिनट की डेली वॉक करें, और एक्सरसाइजेज जैसे फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें और अपनी एंटीनेटल एक्सरसाइजेज करें. रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, पेशेंट कई बार प्रेगनेंसी में स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, इसलिए स्ट्रेस अगर आप हो रहे हैं तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज करें, लाइक योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज. ये आपको स्ट्रेस हटाने में भी आपकी हेल्प करेगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में भी आपकी हेल्प करेगी. सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें, लाइक स्क्वैटिंग करें, कीगल्स करें, डक वॉक. एक आपने सुना होगा, डॉक्टर्स कहते हैं या बड़े लोग कहते हैं कि पोंछा लगाएं, फ्लोर मॉपिंग करें. फ्लोर मॉपिंग का मतलब होता है आप डक वॉक करें. डक वॉक आपको जरूरी नहीं कि आप मॉपिंग ही कर रहे हैं, आप डक वॉक भी कर सकते हैं, और बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस करें. ये 36 वीक के बाद करने से आपको नॉर्मल वजन डिलीवरी में काफ़ी हेल्प होगी. इससे हमारा पेल्विक एरिया इंक्रीज हो जाता है और बेबी को पेल्विक के अंदर आने में और नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्प होती है. नेगेटिव थॉट से बचें, सबसे इम्पॉर्टेंट है. नेगेटिव थॉट्स जो हमारे आसपास लोग बात करते हैं कि उसकी डिलीवरी में ये प्रॉब्लम हो गई, उस डॉक्टर ने इसलिए सिजेरियन कर दिया, इन चीज़ों से आपको कुछ भी गेन नहीं होगा. बेटर है आप सक्सेसफुल स्टोरीज देखें, अच्छे थॉट्स देखें, अच्छी चीज़ें देखें, वो ज़्यादा बेटर हेल्पफुल रहेंगी रदर देन नेगेटिव थॉट्स के अपने अराउंड रहने से. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेबर के टाइम पे अपने एक्सपीरियंस फीमेल यानी एजेड फीमेल्स अगर आपके साथ में होंगी, आपके पार्टनर के साथ में वो भी अगर होंगी तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. वो आपकी डिलीवरी में आपको काफ़ी अच्छे टिप्स देती हैं, मसाज कर सकती हैं, आपको डिलीवरी कंप्लीट होने तक आपको काफ़ी मदद करती हैं, आपको कुछ ऐसे टिप्स देती हैं कि आपको अपनी प्रेगनेंसी को, डिलीवरी को
इंजॉय भी कर पाएं और उस पेन को बियर कर पाएं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अपनी जब आपको लेबर स्टार्ट होता है, जिसे हम स्टार्टिंग में हल्के दर्द कहते हैं, एकदम से एडमिशन की जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम लें, वॉक करें, अपना बैग पैक करें, लिक्विड्स लेते रहें और 1 or 2 hours तक अपने पेन्स को मॉनिटर करें। जब आपके पेन्स 5 minutes के अंदर आने लगे और 30 seconds तक रहने लगे, उस टाइम पे आप हॉस्पिटल के लिए मूव करें। जब एक्टिव, मेरी एक्सपीरियंस है कि जो भी पेशेंट एक्टिव लेबर में हॉस्पिटल में आता है, उसके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड टू फास्टन योर एडमिशन इन लेटेंट फेज, कम टू द हॉस्पिटल इन द एक्टिव फेज। थैंक यू।